साथी हार्दिक कन्हैया और दूसरे पार्टी के मंच पर विराजमान सभी सीनियर लीडर्स, आप तमाम पत्रकार साथी और वो तमाम साथी जो हमको आज मिलने के लिए हमारे समर्थन में आए हैं, गुजरात के विभिन्न कोनों से और पूरे देश भर में से, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संविधान पर हमला है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उतना जहर नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला रहे हैं। इस परिस्थिति में एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं, बतौर एक भारतीय नागरिक, मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन एमएलए। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है। मैं इस मुहिम, इस मिशन और इस संघर्ष के साथ हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी की फॉर्मेलिटी तो आने वाले महीनों में भी हो जाएगी। और राहुल जी ने भी कहा कि वो जो पर्चा भर के सदस्य लेने की बात है वो तो कल भी कर लेना, अभी अपने मत क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहो। तो मैं फॉर्मली नहीं लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं और 22 का चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ूंगा, उसके सारे कैंपेन्स का हिस्सा रहूंगा। और गुजरात के संदर्भ में आज साथी हार्दिक हमारे बीच में मौजूद है, तब कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है वो सब कुछ हम लोग गुजरात में देख चुके हैं, झेल चुके हैं। आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में बड़ी चिंता के साथ ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है कि 3000 किलो का ड्रग्स 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए अदानी के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। आज जब महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, तब गुजरात और देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये फांसीवादी ताकतें चाहती है कि रोजगार तो ना मिले, उनको नशे के हवाले में झोंक दिया जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में यदि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, भगत सिंह को जब मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पूछा गया कि क्रांति क्या है, तो शहीद आजम ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आते हैं तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है ना, नई पार्लियामेंट का, वो देखने के लिए जाते हैं किसान।